आज का ब्लॉग गाड़ी से रिलेटेड होने वाला है। गाड़ी की हालत देखो भाई कितनी गंदी है। इसे गंदी करने के पीछे भी राज है भाई, ये किसे क्या धुलवा ही नहीं रहा था मैं, और खड़ी भी काफ़ी टाइम तक हो रही है कि आजकल कहीं बाहर आना जाना नहीं होता। और भाई इसे धुलवा इसलिए नहीं रहा था कि एक प्रोडक्ट आने वाला था, वो बेसिकली आ गया है। और भाई सुबह सुबह ही आया, आपको यहीं से दिख रहा होगा ये अगारो करके मॉडल इसका सुप्रीम, ये वॉशर आया है ठीक है। तो आओ इसकी पहले अनबॉक्सिंग करेंगे और चेक करेंगे भाई। एक गाड़ी तो मैं ढकने लगा, गंदी इतनी हो जाती है खड़े खड़े। कवर के ऊपर भी देखो भाई, कल दिन में ढका है, और ये देखो देख रहे हो, क्योंकि भाई जब तक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यही हाल होने वाला है, लगभग सभी कुछ गंदा हो जाता है। तो भाई ऊपर लेके चलते हैं इस बॉक्स को और भाई इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। देख रहे भाई यहाँ ज़्यादातर अपने पार्सल्स वगैरह के सामान पड़े हुए, बट भाई जो ये प्रोडक्ट है इसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं तो इसलिए मैंने मंगाया था। तो भाई पहले खाना आ रहा है यार, खाना खाऊँगा उसके बाद इसे ऊपर लेके जाऊँगा और फिर इसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ और गाड़ी पर इसके रिजल्ट देखेंगे भाई। जैसे कि अभी तो देखो भाई लिमिट से ज़्यादा गाड़ी गंदी हो रही है। ऐसा नहीं है कि फेक गंदी करी है, ये सब क्या हवा वाली मिट्टी है, देख रहे हो हवा के ही प्रेशर में गिरी हुई है सब। गाड़ी वैसे भी धुल के ही खड़ी हुई थी, देख रहे हो धुलने के निशान होते हैं गाड़ी में, बट भाई खड़े खड़े लेन देन हो जाती है। तो आओ पहले उसे ऊपर लेके चलते हैं और भाई अनबॉक्सिंग करते हैं। पहले उसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो बनेगी, उसमें मैं आपको डेमो भी दूंगा कि गाड़ी पर उसका कैसी वॉश रही है। भाई देखो कीचड़ वगैरह में ऑलरेडी हो रही है तो फेक कुछ भी नहीं होने वाला है। जस्ट अभी अभी ऑर्डर भी आ गया, अभी बस ऊपर ही जाने वाला था मैं, इतने भी देखो भाई भैया भी आ गए थे। मैंने कहा चलो ठीक है ऑर्डर लेते हुए चले कि यार खाना ज़्यादा ज़रूरी है, तो पहले खाना फिर उसकी अनबॉक्सिंग फिर गाड़ी पे डेमो करके भी दिखाऊंगा आपको, और हो सकता है बाइक्स पे भी डेमो करके दिखाऊँ। तो भाई मैं इसे ऊपर अनबॉक्सिंग के लिए ले आऊँ यार, और आज की अनबॉक्सिंग कमरे में नहीं बाहर बालकनी में होने वाली है। तो देखो भाई ऐसा हाल फिलहाल में हमने तैयार करवाया है, देखो भाई कितना प्यारा लुक आ रहा है, प्लांटिंग वगैरह भी सब हो गई है। तो अनबॉक्सिंग यहाँ बैठ के करेंगे और उससे पहले खाना खाएंगे। और भाई ये इतना भारी था ना, ऊपर आते आते सांस भी फूल गई है। तो अब देखते हैं क्या क्या इसमें प्रोडक्ट हमें मिला है और इसकी फिर अनबॉक्सिंग करते हैं। भाई सबसे ज़्यादा खुजली ना इसमें रहती है, जैसे अभी मैं बालकनी में छोड़ के गया, निधि इतने खाना पीना कर रही है और भाई इनका खाना पीना सब मेरे ही रूम में पड़ा रहता है। तो देखो भाई मैं अंदर जाके बैठा खाने और ये भाई बाहर अनबॉक्सिंग करने आ गया। कितनी बार तो यही होता है मेरे प्रोडक्ट आते और यही अनबॉक्सिंग कर दे, थोड़ा सा ऐसा केला छोड़ दो तो ठीक है, इसे खेलने कूदने देते अपन अपना खाना पीना खा लेते इतने। तो भाई मैंने खाने में मंगाए आलू के पराठे छोले, यार आज दिल्ली जैसे खाने का मन हो रहा था आलू के पराठे और छोले, इस चक्कर में क्या बाहर से ऑर्डर करा, वरना भाई निधि मेरे फ्लैट पे आके कुक कर लेती है। और भाई खाने की तो इतनी गंदी आदत है, फ़ोन देख देख के खाने की इतनी गंदी आदत हो रखी है ना कि बिना फ़ोन के खाना नहीं उतरता है। तो भाई आप ज़रूर बताना कि आपको पराठे और छोले कैसे लगते कमेंट सेक्शन में, और भाई मैं जल्दी से खा लेता हूँ। यार आजकल पता नहीं जयपुर में क्या ऑफर चल रहा है, हर कोई यार भेज देता है गुलाब जामुन, और इसकी हालत देखो भाई, और ये इतना ठंडा होता है ना कि इसे खाने का भी मन नहीं करता है। तो भाई जल्दी से खाना ख़त्म करते हैं और फिर अनबॉक्सिंग शूट करते हैं। तो भाई मैंने हथियार तैयार कर लिया है अनबॉक्सिंग के लिए, ये काम नहीं आएगा ना। तो भाई ये देख रहे हो ना हमारे भालू को, इसके दांत देखो भाई, इसके दांत दिखाई नहीं रहा भाई। कैट्स में पता नहीं क्या होता है, बहुत रेयर चांसेस होता है कि हाँ इसे डॉग की तरह ट्रीट कर सकते हो भाई, बट फिर भी ये भाई लगभग हमारी सारी बात समझता है। एग्जाम्पल देखो आपको, जैसे डॉग समझते हैं वैसे ही आ जा बेटा बाबू, ये देखो भाई प्यार करने के लिए बोल रहा है जैसे डॉग्स करते हैं। तो कि भाई बिल्कुल डॉग की तरह ये भी पूरी पूरी बात समझता है, ऐसे नहीं करता कि हाँ नहीं समझता हूँ। तो शैडो खाना खाएगा मेरा बेटा, देखो बुलाने पे भाई आ भी जाता है। तो देखो भाई ये काम नहीं आएगा, तो मैंने आपको बताया इसके दाँत तो काम आ ही जाएंगे, वरना भाई हमारे बेटे के नखून भी अच्छे खासे हैं ये। अरे खोल ले मेरी जान, देखो खोल नहीं रहा है भाई, नखून वगैरह भी पता नहीं क्यों बंद करके रखता है। तो भाई अभी इनके भी बाल झड़ने का टाइम आ रहा है, फॉर एग्जांपल ये देखना, अभी ये देखो तो भाई कैमरे में भी दिख रहे हैं, तो आप समझ ही सकते हो पूरे एरिया में कितने बाल होंगे। भाई मैंने बालकनी बेसिकली क्या है, ये नेट वगैरह भी इसलिए लगवाया इसके चक्कर में, बाहर गिर ना जाए कभी, और इसलिए भाई वहाँ किनारे पे तो क्या है मैंने पोर्ट्स वगैरह भी सजा दिए। और भाई वो जो ऊपर झूमर जैसा देख रहे हो, ये कल ही हमने ऑर्डर करे थे, सोलर पैनल से लाइट चार्ज हो जाती है। तो देखो भाई इसके रिव्यूज़ भी कैसे रहते हैं, देखो भाई ये जाएगा नहीं जब तक मैं यहाँ बैठा रहूँगा ना, इसे लगता है कि हाँ इससे ही कहते हैं, देख रहे हो भाई। और भाई इससे पहले मैंने इसे एक वीडियो में और दिखाया था साल भर पहले, जब हमें पता ही नहीं था ये मेल है या फीमेल है, भाई अब पता लग गया ये फीमेल है भाई इतने टाइम बाद पता लगा ये फीमेल है, समझ रहे हो ना आप कि भाई इसकी हेल्थ नहीं बढ़ रही थी, मैं डॉक्टर के पास लेके गया तो कह रहे भाई फीमेल ज़्यादा हैवी नहीं होते, मेल्स होते। तो भाई चलो आओ इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। मैंने आपको बताया ये अगोरा करके है, मॉडल नंबर इसका है सुप्रीम। तो भाई देखते हैं ये कार वॉशर बाइक वॉशर, यानी कि आप इससे कुछ भी वॉश कर सकते हो, बेसिकली मोटर होती है हाई प्रेशर पंप होता है। तो देखते हैं इसका कैसा रिव्यू रहेगा। देखो भाई अभी यहीं रहेगा, देखो डॉग की तरह पूछ भी लाता है। शैडो अभी देखना, शैडो मेरा बेटा
हाँ दे नहीं नहीं करूँगा ना तभी लगेगा, देखो बोलेगा चेयर। और भाई जो कैट्स होती है ना, अगर आपको आप पेट दिखाती है ना, इसका मतलब ये रहता है वो आप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती है। ये देखो भाई, ये देखो, इसका मतलब ये होता है कैट्स आप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर सकती है। इसको आप गूगल पे भी भाई सर्च मार के देख सकते हो कि कैट वगैरह वरना अपना पेट वगैरह नहीं दिखाना पसंद करती है। अगर वो आपको अपना पेट टमी दिखा रही है, वो स्ट्रीट हो या आपके घर की हो, इसका मतलब वो आप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती है। तो भाई देख रहे हो ना। और भाई ये बाकी सबके पास तो जाना पसंद नहीं करता, बस मेरे पास ही रहना पसंद करता है। मैं बाहर जब तक बैठूंगा ना बालकनी में, यहीं पड़ा रहेगा मेरे पास ही, सोता भी मेरे साथ ही है। देख रहे हो भाई, भाई डरा दिए अच्छे खासे को, देखो। हाँ बेटा, तो ठीक है भाई, चलो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो भाई देखो, उम्मीद है हमारे मियाओ भैया भी आ रहे होंगे। खोलते, चलो बॉक्स खोलते। आए खुल गया भाई, मैं खुद ही से अभी ही ओपन कर रहा हूँ। इसे क्या, देखो इसकी आवाज़ आई ना, इसलिए अट्रैक्ट हो रहा है। देखो इसे भाई हर चीज़ के साथ मस्ती चाहिए। तो भाई फाइनली अनबॉक्सिंग हो रही है। सही करा यार, कार बाहर वगैरह वॉश करवाने जाओ ना तो काफ़ी एक्सपेंस हो जाता है। अरे हाय, डब्बे में डब्बा अंदर भाई एक और डब्बा है, तो उसे भी देखते हैं डब्बे में क्या डब्बा है। भाई बॉक्स में सही में बॉक्स है, तो ये देखो भाई बॉक्स के अंदर बॉक्स ही आ रखा है। तो इसे भी पहले बाहर निकाल दो, फिर आपको दिखाता हूँ। भाई इसकी हरकत देखो, मैं जब से निकालने की कोशिश करता हूँ मैं हिलाता हूँ, देखो पकड़ता है। ऐसे हर चीज़ में सब मस्ती समझ आती है, इतना ही समझता है ज़िंदगी में कि हाँ कोई चीज़ हिल रही है तो खेलने के लिए हिल रही है। भाई ये बॉक्स में बॉक्स और लगभग पूरा ही बड़ा बॉक्स लग रहा है, तो इसलिए मैंने इसे निकाला नहीं है। इसे खोलते ही खींचते, ऐसा लग रहा है डबल डब्बे इसलिए दिए हो क्या पता कि ये सेफ्टी रहे। तो भाई इस चक्कर में इसे यहीं खोलते हैं। ओ भाई फाइनली बॉक्स खुल गया है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार उठा के। तो भाई ये देखो, ये है इसमें प्रोडक्ट। आई थिंक ये इसकी मैनुअल है, और मैनुअल मतलब इसकी बुक है यार। और ठीक है, ये कुछ कार्ड भी आया है और मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें है मेरे हिसाब से मोटर ढकी हुई, तो भाई फोम बॉक्स, ओ भाई डबल बॉक्स में आया है सेफ्टी के लिए। और इसके अंदर आपको मिलेगा एक प्रेशर पंप, आई थिंक ये इसकी वो पानी कनेक्ट करने वाली, मतलब कि पानी वाला यही होगा, या पता नहीं ये वो वॉशर वाला होगा। मतलब एक तो दो पाइप होने चाहिए, एक आपका नल वाला होता है जो टैप में लगेगा, और एक होगा आपका जो गाड़ी के वॉश पंप में लगेगा। तो अभी देखेंगे कि कौन सा वाला है। और भाई एक इसमें ये वाला भी पंप है, आई थिंक ये वाला वॉशर वाला होना चाहिए, मतलब गाड़ी धोने वाला, और वो वाला डायरेक्ट टैप में लगने वाला। तो ठीक है, ये हो गई दो आइटम्स, ठीक है। और आई थिंक, ओ भाई काफ़ी भारी है भाई ये देखो, ये नहीं संभल रही भाई। और मैं चलो आपको गोदी में रख के दिखा देता हूँ, यानी कि ये हो गया पंप, कि भाई यहाँ क्या अगर फैला दिया ना मैंने ज़्यादा सामान, तो ये हरामी है ना जो जो मस्ती ले रहा है, ये लेन देन कर देगा। ओ भाई ये इसकी गन की स्टिक है, आई थिंक उसकी हाइट बढ़ाने के लिए। और ये इसकी गन हो गई भाई, और आइटम ना एक नंबर है, और बाकी तो क्या है अभी यूज़ करके पता लगेगा। और ये इसकी फॉर्म वॉश वाली गन हो गई है, और ये इसका जो अगर बाल्टी में डालते हैं तो ये उसमें लग जाता है, यानी कि होता है ना कि बहुत सी यार अगर आपको टैप नहीं मिल रही तो इसी पाइप में ये फ़िल्टर लगा के पानी में डाल दो बाल्टी में भर के, तो ये बाल्टी से भी काम करने लग जाता है। और भाई ये सारे इसके वही पंप्स वगैरह, मतलब कि टूटी वगैरह में लगाने के और बाल्टी वगैरह के। तो भाई प्रोडक्ट तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है, रिव्यूज़ वगैरह भी इसके भाई 4.4 तक है अमेज़ॉन वगैरह पे, इसके पर्सनल साइट्स पे भी। तो आओ भाई ठीक है, एक बार इसे यूज़ करके भी देखते हैं। अनबॉक्सिंग तो हो गई, और भाई इसका वेट भैंस की टांग है मैं इसका वेट आपको एक बार पढ़ा देता हूँ। इसका वेट नहीं लिखा हुआ भाई इस पर, और ये मॉडल नंबर मैं आपको बता देता हूँ। इसकी पावर है 1800 वाट में मैंने मंगवाई है, और ये हाई प्रेशर वॉशर है, मेड इन चाइना है भाई, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं थी। और ये जो इसका फ्लो रेट है 6.5 मिनट पर लीटर है, मतलब एक मिनट में 6 लीटर पानी ये फ्लो कर सकता है अगर हाई प्रेशर में आप इसे के साथ करो तो। वो भाई इसका वेट लगभग होगा 12-15 किलो वेट होगा भाई,
इस मोटर का। तो भाई ये अच्छी खासी और बड़ी भी है, ऐसा नहीं है कि वो, तो भाई इसका मटेरियल भी काफ़ी अच्छा है, रफ़ है तो क्या है फिसलेगी वगैरह नहीं जब ये गीली हो रखी होगी। तो भाई आओ चलो इसे यूज़ करके और देखते यार कैसा इसका रिव्यू रहेगा। वो भाई वो देखो यहाँ से उठ के गया था, देख रहे हो उसकी टांगें दिख रही है बस, तो ये हाल है उसके। तो भाई अब नीचे चलता हूँ एक बार और आपको इसका रिव्यू देता हूँ कि ये वॉशिंग भी कैसे कर पा रहा है। और भाई आप ज़रूर बताना आपको मेरा शेडो नाम है उसका वो कैसा लगा, और भाई ये डेकोरेशन कैसे लगी। हाल फिलहाल में इसे और सजाने वाले हैं। तो भाई जैसे अभी मैंने कार्ड उठा के देखा, मुझे लगा इनका विजिटिंग कार्ड होगा, बट भाई ये वारंटी कार्ड है। और इस पर क्या है, आपको जो प्रोडक्ट पे ना 1 ईयर की कंप्लीट वारंटी मिलती है, ये देखो 1 ईयर कंप्लीट वारंटी है। तो भाई आप इस प्रोडक्ट को ज़रूर यूज़ करके दे सकते हो। भाई अभी भी नहीं मान रहा हूँ, मॉडल नंबर वगैरह देखो भाई, आइटम नंबर, 1 ईयर वारंटी इस पर भी लिखा है। तो भाई इस पर ये बाकी प्रोडक्ट्स भी है इसकी साइट्स पे, तो आप ज़रूर विजिट कर सकते हो। देखो साइट गेरी, ठीक है, तो आप इस पर ज़रूर विजिट कर सकते हो। चलो मैं इसका आपको एक डेमो दे के दिखाता हूँ कि ये कितना वर्थ है और कितना नहीं है। तो भाई आप लोगों को डेमो दिखाने से पहले, मेहनत बहुत चल रही है कि यार जब से ये लाइट्स लग मंगवाई थी ना ताइवान से, अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखा तो मैं आई बटन में लगा दूंगा इसके ओरिजिनल लाइट्स है, ये आपको पता ही होगा कि हाँ मैंने चेंज करवाई थी। तो भाई जब से ये सारा सामान अंदर ही पड़ा हुआ था, और देखो अभी कितना पड़ा हुआ है। तो भाई पहले ये क्लीन कर लेता हूँ। और भाई अभी लोचा क्या हुआ, ये हाल फिलहाल में रैंप ठीक करवाया, तो इसकी वजह से गेट ये पूरा नहीं खुल रहा है। लगता नहीं है कि इतनी कम जगह से गाड़ी अंदर आ पाएगी, क्योंकि अभी तो गाड़ी दूर लग रही है तो बड़ी छोटी लग रही है, देख रहे हो। अब जैसे मैं सामने खड़ा हुआ ना, मेरे को पता है ये इतनी आसानी से अंदर आएगी नहीं, तो ट्राई करेंगे बाहर ही धो दें, तो अपन बाल्टी वाला बकेट वाला यूज़ कर लेंगे, तो उसके वजह से बाहर ही साफ़ कर लेंगे। तो भाई उससे पहले ये सब कर लेता हूँ, ये अच्छी बात है कि एक डब्बा पड़ा हुआ था मेरे पे, ये सारा सामान उसमें पैक हो जाएगा, इससे गाड़ी भी क्लीन हो जाएगी इस डेमो के बहाने। तो भाई मैंने लगभग सारे मैट बाहर निकाल लिए, और भाई गाड़ी के अंदर देखो हाल देखो, पतझड़ के मौसम में जितने पत्ते बाहर नहीं है ना उससे ज़्यादा देखो अंदर है, और आगे इतने नहीं है जितने भाई पीछे हैं। ये देखो भाई गंदगी देखो गाड़ी में, और ऐसा नहीं है मैंने जान पूछ के करी, अभी आपको देखो दिखाता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। अच्छा भाई ये सामान क्या है, जैसे आगे वैक्यूम करने के बाद ये आगे रख दूंगा, तो इससे पहले मैं गाड़ी में वैक्यूम करूँगा, इसलिए भाई मैंने एक ये देखो इस साइड का भी ये हाल देखो। और आपको अब एग्जांपल दिखाते हैं, और देखो भाई फॉर एग्जांपल यहाँ चलेगा, जैसे इसे निकालो, देखो भाई ये वॉशिंग का ये देखो इसमें से भी धूल देखो कितनी निकल रही है, जैसे वॉशिंग का फेंको। और अभी मैं आपको फॉर एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे पहले ये वाला ही मैट बाहर निकालते हैं, उसके मैट के नीचे भी देखो यार, और अभी देखना इसे देखना, एक दो ये देखो भाई ऐसा लग रहा है पता नहीं कहाँ कहाँ से भरी है। तो एक बार पहले अंदर वैक्यूम मारता हूँ, और आपको वैक्यूम भी दिखाता हूँ मेरे पे कौन सा वाला है। तो भाई जो मैं वैक्यूम की बात कर रहा था, ये रहा गो मैकेनिक का, भाई देख रहे हो इसकी अनबॉक्सिंग भी अभी तक नहीं करी, एक बार भी यूज़ नहीं आया है, लगभग पूरा ऐसे की ऐसी पैक पड़ा है। तो भाई फाइनली आज काम आने वाला है, तो पहले इसे प्लग कर लेता हूँ। ये नॉर्मली मेरे हिसाब से सिगरेट लाइटर, जो सिगरेट लाइटर हो रहा होता है ना आपको, उसी पर लग जाता होगा, हाँ आई थिंक सही बात, देखो उसी पर लग जाएगा। तो भाई चलाओ पहले इसे प्लग कर लेते हैं, गाड़ी ऑन करके यूज़ करेंगे ना भाई, बैटरी पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो आओ पहले गाड़ी चालू करके इसे सेट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको मैं इसका फीडबैक देता हूँ। तो भाई इसमें काफ़ी तरीके के देखो ऐसे ये जॉइंटर्स है, पाइप भी है, अलग अलग तरीके के, बट मुझे लगता है बेस्ट ये रहने वाला है कि इसमें क्या है, ब्रश मारते हुए ही वो वैक्यूम कर लेगा, तो उम्मीद है धूल मिट्टी से ज़्यादा निकलेगा। और भाई इसके अंदर का फिल्टर देखो अभी तक न्यू है, तो कितना प्यारा लग रहा है, और येलो कलर में तो भाई वैसी चीज़ बहुत ज़्यादा साइन करती है, देख रहे हो भाई। पहले अपना भी गाड़ी पे येलो का ही पेंट करवाने का मन था, अगर भाई आप पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपको पता होगा कि गाड़ी का पहले कौन सा कलर था, ज़रूर बताना। देख रहे हो भाई डोर्स के अंदर भी कलर पता नहीं लगता पुराने के, पहले कौन सा कलर था, तो भाई ज़रूर बताना। पहले हमारा येलो का मन था, बट क्या है टैक्सी बहुत ज़्यादा हो जाती इसलिए नहीं कराया। तो ठीक है इसका एक बार रिव्यू देता हूँ मैं आपको यूज़ करके। भाई मैंने सब प्लग कर लिया है, प्लग करते ही क्या देखो इसमें लाइट्स आ जाती है, अब पता नहीं काम तो, अरे भाई काम तो देखो उम्मीद ही अच्छा करने वाला है। नहीं यार कुछ तो लोचा है, नहीं भाई काम तो कर रहा है यार, आई थिंक मुझे इसका ब्रश बदल लेना चाहिए। तो आओ पहले ये ब्रश बदलते हैं और फिर आपको दिखाता हूँ। भाई ये वाला पाइप लगाया तो भाई इससे देखो काफ़ी फर्क पड़ रहा है, ये देखो, और देखो वैक्यूम अच्छा खासा कर रहा है, देखो उधर लगेगा, और ये देखो वैक्यूम भाई अच्छा, और इसके अंदर भी देखो गंदगी दिखने लगी है, तो देख रहे हो नीचे कूड़ा देखो दिख रहा है। तो भाई इसका मतलब ये काम पे अच्छा कर रहा था, एक बार पहले वैक्यूम कर लेता हूँ फिर मैं आपको फाइनल प्रोडक्ट का रिव्यू देता हूँ, वॉशर आया है। तो भाई इस वाले वैक्यूम से देखो भाई लगभग सब ही निकल गया है, देख रहे हो आगे देखो मिट्टी है, अब दिखी क्या,
चलो अभी निकाल के मैं दिखाऊंगा। तो भाई लगभग गाड़ी साफ़ हो गई है, बट मुझे ऐसा लग रहा है एक बार दोबारा वाला पहले वाला पैड लगाता हूँ, उससे क्या रहेगा जो थोड़ा अंदर मेरे को दिख रही है ना वो भी निकल जाएगी। तो भाई लगभग ये वैक्यूम ने बहुत अच्छा काम करा, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और भाई बैक साइड से भी देखो लगभग पूरा क्लीन हो गया है। तो भाई ये ग्रे है तो ये तो क्या ज़्यादा ही गंदा हो रहा है, इसलिए थोड़े बहुत निशान दिख रहे हैं कि यार इसी में बैठ के हमारा ट्रैवल खाना पीना होता है, तो इस वजह से दिख रहा है। तो एक बार इसका मैं पैड दोबारा पहले वाला बदल लेता हूँ जो मैं आपको कह रहा था, ये वाला ब्रश वाला। तो इससे क्या रहेगा कि ब्रश से थोड़ा किनारों से भी मिट्टी निकल जाएगी। तो अब ये लगा के दोबारा उसे थोड़ा और क्लीन करता हूँ और फिर मैं आपको उसका भी प्रेशर पंप का भी बताता हूँ कि वो कैसा काम कर रहा है। तो भाई आओ मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी में से कितना कूड़ा निकला है। पहले तो ये देखना पड़ेगा ये खुलता कैसे। आई थिंक ये जमाने से खुलता होगा। आओ पहले ट्राईपॉड ही खोल के रखते हैं, ये अच्छी बात है ट्राईपॉड पे फोन लगा रखा है। जा सिम सिम। ओहो तो भाई ये है कुछ इसके अंदर, और इसके भाई इसकी हालत देखो आप। कहाँ दिखा रहा हूँ मैं, एंगल नहीं देखा मैंने। भाई देखो बाल, ये फर मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले दिखा था कितना क्लीन था, और अब इसकी हालत देखो। और अंदर कूड़ा देखो भाई, कहाँ निकालता हूँ ये देखो भाई, ये सब इसके अंदर से निकला है। और इसकी हालत देखो यार, क्या से क्या हो गई। अभी तक कितना अच्छा था, ये देखो इससे ही पता लगता है भाई। ये देखो ऐसा गोरा था, और वीडियो से पहले भी मैंने आपको दिखाया था। इससे पता लगता है भाई गो मैकेनिक एक नंबर प्रोडक्ट्स है। और आजकल तो भाई ये सेल वगैरह भी चलाते हैं अमेज़ोन वगैरह पे, तो आप वहाँ से मंगा सकते हो। मैंने किसके लिए एयर प्रेशर भी मंगवाया था, मतलब वॉशिंग वाला नहीं टायर में हवा वाला, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा भाई। उसका फीडबैक भी एक नंबर है, पूरा डिजिटल है, डायरेक्ट नंबर सेट करो और ऑटोमेटिकली फील हो जाता है और बहुत फास्ट है। तो कभी मौका मिलेगा तो वो भी दिखाऊंगा, बट अब वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करते। मैं आपके लिए जिसके लिए मेन वीडियो चालू करी थी वो दिखाता हूँ भाई। देखो चलो ये क्लीन भी आसानी से हो गया, और भाई ये अच्छा खासा फिल्टर है देख रहे हो। तो ठीक है चलो इसे दोबारा समेटता हूँ, फिर गाड़ी की वॉशिंग दिखाता हूँ आपको। तो भाई फाइनली ऑल सेट हो गया है, सब कुछ कर लिया। और भाई इसमें आप घर के पाइप को भी यूज़ ले सकते हैं, मैंने डायरेक्ट टैंक में लगा दिया है। और प्रेशर पंप देखो अभी जीरो दिखा रहा है, पहले से थोड़ा हाई हो जाने दो। और हाई के लिए क्या करना है आपको, इसे बार बार प्रेस करना है कि जो इसके बीच की हवा निकल जाए पाइप की। तो देखो इसमें से थोड़ी देर आप रुकोगे ना तो पानी का प्रेशर देखो, अब देखो इसमें आपको पानी आता हुआ दिख गया है क्योंकि इसमें से देखो हवा निकल रही है देखो। तो एक बार इसे कंप्लीट हो जाने देता है, ये देखो देखा, अभी जैसे ही मैं इसे दबाऊंगा ना ओहो भाई सफाई देखो यार इसमें, भाई इतना तेज पानी है ना ये, कि बात तो भाई ये होने वाली है बढ़िया बढ़िया आइटम है भाई। मेरा हाथ पता फोर्स लग रहा है ऐसे करके, तो भाई इसका प्रेशर तो एक नंबर है। तो एक बार इसे हल्का हल्का गीला कर लेते हैं, उसके बाद इसके आगे फॉर्म वॉश वाला भी लीवर लगाता हूँ और आपको वो दिखाता हूँ यार। और उसके बाद अपनी बेनेली भी लगाएंगे, यानी कि आप इसे जब दबाओगे ना तभी मोटर आवाज़ करेगी। देखना इसे मैंने प्रेस करा और वो चालू हो गई, यानी कि इसमें ऑटो कट भी है। देखो जैसे इसका प्रेशर देखो यहाँ देखो बढ़ जाता है भाई, अंदर की देखो सारी मिट्टी निकल गई है। एग्जांपल के लिए देखो यहाँ पर आपको दिखा दो, मिट्टी देखना और इसका प्रेशर देखो। तो भाई ये मिट्टी नहीं कीचड़ थी, देख रहे हो भाई कितना ओपी तरीके से वॉश हो रहा है। तो एक बार इस हल्का से गीला कर लेता हूँ, फिर फॉर्म वॉश वाला आपको लगा के दिखाता हूँ। भाई जैसे कि मैंने आपको बोतल दिखाई थी, ये बोतल फ्री आई है, तो मैं इस पर वैक्सपोल का यूज़ कर रहा हूँ फॉर्म वॉश। अब लोग कहेंगे बेकार है या अच्छा है भाई, बट बहुत पुरानी कंपनी में बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, मुझे बेस्ट लगता है। बट इसमें मेरे को एक ही गलती लग रही है इसकी बोतल में, इसमें भी क्या कोई साइन नहीं है कि हम इसमें कितना लिक्विड डालें, समझे। तो मैंने एक अंदाजे से डाला है, पता नहीं फॉर्म उतना अच्छा बन पाएगा नहीं बन पाएगा, बट ट्राई करते, कम पड़ेगा तो दोबारा से डाल लेंगे भाई। एक्चुअली सीन क्या हो रहा है, मेरे को आइडिया ही नहीं हो पा रहा इसमें कितना शैम्पू डालूँ। तो आप क्या ऑनलाइन वगैरह चेक कर लेना, मैं वीडियो बड़ी नहीं करूँगा ऑनलाइन चेक करने में। तो देखो भाई फॉर्म बन रहा है, ऐसा नहीं है नहीं बन रहा है, बट भाई इससे अच्छी फॉर्म बोतल जो होती है ना वो और अच्छा बना पाती है। चलिए इसकी हाइट वगैरह भी कम है, तो आपको एक खर्चा करना पड़ जाएगा मेरे हिसाब से 800-900 रुपये का। वरना तो भाई वॉशिंग देखो अभी तो बस एक सिंगल प्रेशर मारा, हल्का हल्का आपको फॉर्म दिख ही रहा होगा। एक बार भाई और ट्राई करता हूँ, थोड़ा शैम्पू ज़्यादा मिलाया मैंने इस बार, पहले कम था, तो अब देखते दोबारा बन पाता है या नहीं बन पाता है।
काफ़ी देर ट्राई करने के बाद समझ आया कि इसमें ना एक रोलिंग है, उस रोलिंग के हिसाब से एक तरफ पानी निकलता है और एक तरफ फोम निकलता है। तो काफ़ी देर से ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि लिखा हुआ तो कुछ भी नहीं है। जैसे ये देखो यहाँ हल्का हल्का फोम आ रहा है, बट समझ नहीं आ रहा एक तरफ पूरे में फोम आएगा। यानी कि एक बार इसे कम्प्लीट घुमा के देखते हैं, क्या पता कम्प्लीट घुमाने से हो गया। उम्मीद तो है, लग तो रहा है कि हो गया। देखो भाई हल्का हल्का सा निकलने लगा है, पहले से तो बेहतर आ रहा है, बट एक बार और थोड़ा और घुमा के देखते हैं कि पता तो लगे ऐसे कितनी फोल्डिंग है इसमें। बट क्या है, एक जगह यार बढ़िया तरीके से निकल रहा था, वो प्लेस घूमने की कोशिश हो रही है। गाड़ी की बार पे तो निकल नहीं रहा फॉर्म, और देखो इस पे निकल रहा है। कार पे दिख नहीं रहा होगा, स्लिप हो रहा होगा क्या? हाँ ऐसा हो सकता है, मैं इस पर कितनी प्यारी तरीके से फॉर्म बन रहा है, बट पता नहीं इस पर क्यों नहीं बन रहा है, इस पर तो तंग कर दिया। मेहनत चल रही है, मेहनत मेहनत तो ऐसे है, प्यार है, प्यार प्यार के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ये बोनेट को मॉडिफाई करवाने के तरीके तो भाई फाइनली गाड़ी वॉश हो गई, और क्लियरिटी देखो यार गाड़ी की। अभी क्या मैंने कपड़ा भी मारा है मतलब कि गाड़ी पे। तो ये भाई साइनिक्स प्रो के मैंने दो मंगवा रखे, बहुत प्यारे कपड़े। और भाई लुक देखो भाई गाड़ी की, और भाई से ये पता लगता है देखो अंदर तक की मिट्टी वगैरह सब हट गई, देख रहे हो भाई। वो पहले कैसी थी और अब कैसी है, कोई भी निशान नहीं भाई। और ये देखो यार कहीं भी कोई भी निशान नहीं, इतना प्यारा हल्का सा मैंने ये कपड़ा भी मारा है साइनिक्स प्रो का। और भाई मिट्टी वगैरह जो निकलती है ना उससे बेसिकली पता लगता है प्रेशर क्या है, और भाई इससे ही पता लग जाता है पूरी गाड़ी धुल गई। और बस ये थोड़ा सा पानी यहाँ फैला हुआ है और हल्का सा देखो ये फैला हुआ है, इससे पता लगता है आपकी मुश्किल से डेढ़ से दो बाल्टी में एक गाड़ी दो गाड़ी तीन गाड़ी धुल गई भाई दो ढाई बाल्टी में उस प्रेशर से। और लुक देखो भाई कितनी प्यारी आ रही है गाड़ी की, कांच तक एकदम साफ नीट एंड क्लियर, छत वगैरह भी। और देखो भाई कितना प्यारा व्यू आ रहा है। तो भाई मैं भी इसे 5 में से 4 स्टार दूंगा, 4.5 दूंगा, कि यार मेरे को जो फॉर्म वाली बोतल है वो इतनी खास नहीं लगी, कि यार उसमें क्या ढंग से फॉर्म नहीं बन पा रहा है, कि बहुत छोटी है और बड़ी गाड़ी आपको धोने तो फॉर्म की ज़्यादा नीड पड़ती है इस चक्कर में। तो भाई अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना आने वाली और वीडियोज़ के लिए। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, राइड सेफ।